दोस्तों, जिंदगी में सचमुच आपको अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है क्लैरिटी में। कई बार लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, और जब भी शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई भी नई चीज़ शुरू करने के लिए आपको एक अनजाना सा डर रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, कहीं कोई बड़ी गलती ना हो जाए। तो अगर बहुत दिनों से आपने नया कुछ सीखा नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने इनर्शिया को हटाना पड़ेगा। आपने वो न्यूटन का जड़त्व का नियम सुना होगा ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, के आप अगर कहीं ठहरे हुए हैं तो ठहरे ही रहेंगे जब तक कोई बाहर से फोर्स न लग जाए। अगर आप गति में हैं तो गति में रहेंगे, मोमेंटम में रहेंगे जब तक कोई आपको रोक न ले बल लगा के। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है कि देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको काम करना है, ईमानदारी से अपने आप से पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ ने कभी परेशान नहीं किया, किसी को कितना भी फायदा नुकसान कुछ भी होता होगा, मुझे लेफ्ट आउट फील नहीं होता, मैं नहीं करना चाहता इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बात खत्म हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप इसको करना चाहते हैं, आपने इसके बारे में सोचा है, लेकिन जैसे ही किसी ने आके आपसे कहा कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपने कहा नहीं यार, ये वाली प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम है, ये बात है, वो बात है, और हम बहानेबाजी में लग गए। आपको दुनिया में किसी को कोई भी जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपने आप को ये जवाब देना है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी थी तो मैंने वो कोशिश की कि नहीं की। अगर आपने वो कोशिश नहीं की है तो आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको शुरुआत करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 20 साल मुझे लगे वही 20 साल आपको भी उसी रास्ते पे उसी तरीके से चलना पड़ेगा। क्योंकि मेरा कुछ तो इनसाइट है ना, जो डायरेक्टली आपको एक ईज दे सकता है, आपको बहुत आसानी से कंफर्टेबली यहाँ चलना सिखा सकता है, तो वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में और हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग स्क्रीन के डेमो में सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझा सकूँ कि हाँ, रिसोर्सेज हैं जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है डिसीजन मेकिंग, है ना। स्टॉक मार्केट की क्या बात करूँ, कमोडिटी मार्केट में अगर आप गोल्ड और क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आपको डिसीजन मेकिंग ही करनी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, बिटकॉइन में, इथेरियम में, तो भी आपको डिसीजन मेकिंग ही नहीं करनी है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप कुल्हाड़ी या फावड़ा लेके कहीं गड्ढा खोदने जा रहे हैं। आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहाँ पे डाटा सामने आएगा, बहुत सारा डाटा है, बहुत कुछ हुआ है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो जब आप कुछ डिसाइड करने जाओगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा इस बात का कि अगर मैं यहाँ पर स्टॉक खरीदता हूँ तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, यहाँ से नीचे चला जाए, ज़्यादा पैसा लगाऊँ या कम पैसा लगाऊँ, आपको नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि उस कन्फ्यूज़न से गुजरो, छोटी छोटी गलतियाँ करो। क्या करना है आपको, 100 गलतियाँ करनी है, और जितनी जल्दी जल्दी आप गलती करेंगे, फिर उस गलती को थोड़ा सुधारेंगे, तो चीज़ें ठीक होती चली जाएगी। ज़िंदगी में खुशी के लिए क्या चाहिए आपको, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या चाहिए? कल मैं जहाँ पे था, कल मैं 3 गलतियाँ कर रहा था, आज मैंने 3 गलतियाँ नहीं की, आज मैंने 2 गलतियाँ की, और उसी पैमाने पे नहीं की जिस पैमाने पे कल कर रहा था, आज बहुत छोटे पैमाने पे गलतियाँ की, फिर 1 गलती की, और ये भी ग्रेजुअल होता है दोस्तों। आपके अंदर जो बदलाव आता है ना, वो आपको नहीं दिखाई देता। जैसे आपके घर में बड़ा होता बच्चा, आपको नहीं दिखाई देता कि बड़ा हो गया, मेहमान आके बताते थे कितना बड़ा हो गया, आप देखते अरे, ऐसे ही आपकी ग्रोथ है। आपकी ग्रोथ आपको नहीं दिखती, लेकिन अगर आपने 2 महीने 3 महीने का टाइम अपने आप को दिया ना, तो आपको नजर आएगा कि लोगों को नजर आने लगा कि आप आगे बढ़ गए हैं, आपने कुछ सीख लिया, और सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये जो रेंडम थॉट्स आ रहे हैं और आप दुनिया भर की खबरों को देख रहे हैं, कई लोगों को रील्स में देख रहे हैं और इंस्पायर होने के बजाय डिप्रेस हो रहे हैं, ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं और वो इतना ज़्यादा अच्छा करते हुए दिख रहे हैं कि हम शुरू भी नहीं हो पा रहे। कभी कभी इन्फॉर्मेशन नेगेटिवली काम करती है। अभी मैं कई सारे लोगों को ये देखता हूँ कि ऐसा नहीं है आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास 5 स्किल्स है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि किस में शुरुआत करूँ, किस में आगे बढ़ूँ। चलिए हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगा कि आप जैसे मनी कंट्रोल पे गए, मनी कंट्रोल प्रो एक पेड ऐप है, या फिर मनी कंट्रोल का फ्री ऐप आपने उठा लिया, पहले तो फ्री ले लीजिए,
और पेड ऐप का मतलब 1 रुपया पर डे से साल भर की कुछ कॉस्टिंग है, वो भी डिपेंड करता है आपको ठीक लगता है कि नहीं। लेकिन मैं ये बता दूं अपने अनुभव से कि अभी मैं कम से कम 5-6 पेड डाटा की वेबसाइट जो भी जहाँ से जो भी मिलता है वो लेने को तैयार हूँ। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे फ़ायदा होता है, फ़ायदा कई गुना होता है। तो सबसे पहले हमको इसी बैरियर से गुजरना पड़ेगा। तो आपने आपके नाम दिमाग में आया कि यार ये कंपनी है, ये तो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। आप गए वहाँ, आपने नाम डाला क्या? टाटा मोटर। टाटा मोटर नाम डाला आपने, टाटा मोटर का वहाँ पे चार्ट खुल गया। चार्ट खुलने के बाद चार्ट के नीचे लिखा हुआ है एमसी इनसाइट, एमसी टेक्निकल्स। तो एमसी टेक्निकल्स में गए, वहाँ पे लिखा है स्ट्रांग परफॉर्मर या मिड रेंज परफॉर्मर, या वहाँ पे लिखा है कि नहीं कमज़ोर है, फॉलिंग कॉमेट या इस तरह की कोई चीज़ दे, वीक स्टॉक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपको स्ट्रांग परफॉर्मर दिख रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के फिर हम क्या देखेंगे कि चलो अच्छा है ये शेयर, पर अभी खरीदने लायक है क्या? अभी तो लग रहा है बाजार यहाँ से और गिरेगा। क्योंकि मजे की बात यह है कि जब भी आप किसी जानने वाले के पास जाएंगे और आप उससे पूछेंगे कि यार ये कौन सा स्टॉक खरीदूं, तो वो श्योर नहीं है, क्योंकि आंसरेबल है ना आगे। तो कल को आप आगे पूछोगे आपने दिलवाया था और ये तो नीचे चला गया, मैं क्या करूं? तो इसलिए लोग डरते हैं। इंडिया में लोग किसी की मदद इसलिए नहीं कर पाते कि आप उसके माथे पे कभी भी कोई ठीकरा इरिस्पॉन्सिबली फोड़ दोगे। तो वो जिम्मेदारी लेना सीखिए, आप ओन करें अपने डिसीजन को। तो आप किसी से पूछेंगे क्या कैसा लग रहा है, बोले यार बाजार अभी तो बहुत ऊपर आ गया, रहने दो, अभी थोड़ा नीचे आए तो ले लेना। फिर आप पहुंचते 1 महीने बाद के अब क्या कर लूँ, अरे बोले बीच में 15 दिन पहले कितना नीचे आ गया था, आप कहाँ थे? तो कभी भी आपको ये जवाब नहीं मिलने वाला कि हाँ आ जाओ, स्वागत है आपका, ये खरीद लो, कोई नहीं बोलेगा। ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो आप टाटा मोटर को आपने देखा और उसके बाद में आपने उसकी सीजनलिटी भी चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल में वहाँ पे सीजनलिटी लिखी हुई है कि पिछले सालों में 2023 में, 2024 में, 2022 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और पूरे 12 महीने में कभी प्लस माइनस रहा, कितने परसेंट प्लस माइनस रहा। आपको ये भी पता लगता है कि यार पिछले 10 सालों में जनवरी में तो ये 10 में से 8 बार प्लस रहा है, नवंबर में तो ये 10 में से 8 बार माइनस रहा है। इस सीजनलिटी के हिसाब से भी एक आइडिया आपको मिलता है। देखिए अनिश्चितता का बाजार, या अनिश्चित कुछ नहीं है, पर आपको कोई तो आधार चाहिए ना डिसीजन के लिए। और डर लगता है तब आप अपने आप से ये भी नहीं पूछते कि जो 5,000 रुपया आप अपनी पॉकेट मनी में महीने में खर्च कर देते हैं, वो 5,000 रुपये के शेयर खरीदने में आपकी क्या रूह काँप रही है? जब आप अपने यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाते हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, आपका फोन हर 2 साल में डेप्रिशिएट होकर 0 भी हो जाता है, आधा तो होता ही है, फिर आपको क्या डर है स्टॉक मार्केट में कहीं भी पैसा लगाने से? तो शुरू कीजिए दोस्तों, जस्ट स्टार्ट। और मनी कंट्रोल में ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, इसको मैं डिटेल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ शॉर्ट्स में डालने वाला हूँ। तो हम यहाँ से सफर को शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपको जानने को मिलेगी दोस्त, क्या चीज़ है जिससे हम एक कंपनी का बैलेंस शीट, उसका फंडामेंटल, वो बिजनेस क्या करता है, कितना करता है, कैसे करता है, सब समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने सब्सक्राइब किया होगा, शेयर करेंगे वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिए, आपके सवाल आने चाहिए, आपके कमेंट्स ही हमको अप्रिशिएशन मिलता है, हमको ये मोटिवेशन मिलता है, वो डायरेक्शन भी मिलती है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। थैंक यू।